चुके हैं बालकोनी में। ये देखिए कपड़ा जो था उसको सूख चुका है। दोस्तों ये देखिए राजमा चावल बन करके रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए राजमा को इस तरह से कर लेना है पूरा क्रेस। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आप लोग में स्वागत है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुशहाल होंगे दोस्तों। और आज हमारी फिर से ना पूरा आवाज़ ही चेंज हो गई है, अभी तक अच्छी नहीं हुई है। और अभी गुड मॉर्निंग प्यार वाला गुड मॉर्निंग, आज ना दूसरा अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग हो चुकी है, आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं पूरा थक करके यहीं पे जहाँ लाइव होती है वहीं मैं सो जा रही हूँ। बस मच्छर भी काट रही है इस तरह से, और मच्छरदानी भी नहीं लगा रही हूँ ना, तो इससे दिक्कत भी हो सकती है, तबीयत भी ख़राब हो जाएगी हमारी। तो ऐसे बहुत केयरलेस हो जा रही है मुझसे। और मतलब ना जहाँ एडिट करते करते इतने टाइम हो जाती है कि क्या ही बोले, 11 बजे लाइव ख़त्म होती है, एडिट करते करते 12 से 1 बज जाती है, बस वही हमारा ही हो जाती है। फिर ज़्यादा कहीं फिर इधर उधर फिर जा भी नहीं पाती हूँ मैं नीचे में। तो चलिए सो दोस्तों, अभी समय के हो रहे हैं 5, और 5 बजे मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं साइड से आपको दिखा देती हूँ, हमारे खिड़की से नज़ारे देख लीजिए दोस्तों, इस तरह से है। यहाँ पे जो है अभी जल्दी बर्तन वगैरह धो के नाश्ता पानी भी बनाना है, बाबू जाएगा स्कूल। और सो दोस्तों अभी समय के हो रहे हैं 7, और नाश्ता हमारी बन चुकी है, राजन चला गया स्कूल, और कल का ही प्रसाद वगैरह था, मीठा था और केला था, वो खा करके चला गया। क्योंकि 5:30 बजे ही ऐसे उठ गई थी, 5 बजे उठने के बाद में सारा कुछ होता है करके। राजमा भी बोने के लिए डाल दी हूँ, राजमा थोड़ा सा और 1-2 घंटा के बाद इसको बॉइल करूंगी, ठीक है। ये देखिए सुबह ही उठते उठते ही डाल दी थी तो फूलने लगा है, तो इसको अभी और ढक देते हैं, थोड़ा सा और फूलेगा। तो हमारा नहाना धोना तो हो गया है, नहा करके पूजा वगैरह भी कर लिए हैं, और राजमा डाल देती हूँ। तब तक हमारी काम होगी वीडियोस की, कुछ थंबनेल वगैरह बनाना है अच्छा से। रात में तो बनाई थी लेकिन अच्छा से नहीं बना था, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा से उसको बनाऊँ। और ये देखिए राजमा हमारा फूल चुकी है, तो पानी जो राजमा डालने से पहले मैं धो ली थी, वॉश कर ली थी, और वही पानी को मैं डालूंगी इसमें। ये देखिए धो करके फूलने के लिए डाली थी दोस्तों, तो पानी फ्रेश था इसलिए मैं इसी को डालूंगी। और 5 से 6, 7, 8 सीटी लगवा लेंगे और राजमा हमारी पक जाएगी, उसके बाद तड़का लगाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं राजमा चावल। राजमा किसको किसको पसंद है ये बताइएगा, अपने अंदाज में मैं कैसे राजमा बनाती हूँ। और राजमा डाल लूंगी उबालने के लिए, पकने के लिए। अब निकाल लिए, ये देखिए नाश्ता में है रोटी और शिमला मिर्च की भुंजिया, चना दाल की भुंजिया मिक्स करके, और आमड़ा की सब्जी। तो मैं खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। आमड़ा की सब्जी किसने खाई है वो बताइएगा कमेंट करके, कौन कौन खाए हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा नाश्ता हो चुका है, नाश्ता तो कर लिए हैं, और नाश्ता करने के बाद मुझे इतनी नींद आ रही है कि क्या ही बोले। और राजमा चढ़ाए हुए हैं, राजमा उबल जाएगा उसके बाद ही सोऊंगी, बहुत ज्यादा नींद आ रही है एकदम। तो अभी अब चल रहे हैं, थोड़ा सा सो लेते हैं, सो लेंगे तो अच्छा लगेगा उसके बाद। अभी तो हमारा राजमा उबल गया है, अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद मैं जब सो करके 1-1.5 घंटा के बाद मैं उठूंगी, उसके बाद मैं बनाऊंगी, आपको रेसिपी आज शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सो करके उठ गई, काफी अच्छा लगा सो करके उठने के बाद। मैं राजमा तो उबाल लिए थे पहले ही, और बहुत एकदम फ्रेश फील हो रहा है मुझे। और आज हम बनाने वाले हैं राजमा, राजमा दाल और राजमा की रेसिपी। आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। और राजमा के तड़का लगाने के लिए मैं क्या चीज ली हूँ, ये देखिए प्याज है, 2 प्याज ली हूँ, 3 टमाटर है, और ये अदरक है, लहसुन है और मिर्चा, इसी से तड़का लगाएंगे। और हमारे साथ कंटिन्यू आप बने रहिए, हम कैसे अपने अंदाज में बनाते हैं देसी तरीके से, आप हमारे साथ रहिए। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है, रेडी कर लिए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से बारीकी करके काट ली हूँ, इसको रख देती हूँ चाकू को। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची को काट करके रख लिए। मसाला में मैं ली हूँ, ये देखिए हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है और सब्जी मसाला, और हमारे पास राजमा की मसाला नहीं है, तो जो है उसी से मैं बनाऊंगी।
जो हमारे पास है, जो किचन में हमारी उपलब्ध है चीजें, उसी से, उसी सामग्री से मैं बनाऊंगी। तो चलिए आपके मतलब ना ये है कि राजमा अगर इस तरह से बनाइएगा ना, तो आप अगर राजमा आपको पसंद ना हो तो भी पसंद हो जाएगा इस तरह से। तो मुझे भी राजमा पसंद नहीं था, तो हमारे जो साहब है ना, यानी कि हमारे पति देव जी, तो उन्होंने ऐसा बनाया कि मतलब उस दिन से एकदम राजमा से यार प्यार ही हो गया। तो इसी तरह से आप बनाइएगा, हमारे मेथड से बनाइएगा, तो सच बता रही हूँ, आप एकदम यकीन मानो कि सचमुच आपको राजमा से एकदम खाने को हमेशा दिल चाहेगा खाने के लिए। दोस्तों हमारा जो किचन है ना वो छोटा सा है, तो आपको जो हम बनाएंगे राजमा बनाएंगे वही आपको हम दिखाएंगे। हमारा फेस वगैरह पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अगर इस साइड से अगर मैं लगाती तो कैमरा लगाती तो ठीक होता, लेकिन अगर जब गैस चलेगा ना तो ये हीट हो जाएगा, कैमरा हीट हो जाएगा, इसीलिए मैं इधर साइड से ही लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं तेल डाल देती हूँ, सरसों ऑयल अपने अंदाज से डालिएगा दोस्तों, मैं नाप करके नहीं डाल रही हूँ, ठीक है, जो अपना अंदाज से ही मैं डाल रही हूँ, आप लोग अपना अंदाज से ही डाल लेना है। ये देखिए, तो इसमें मैं डालती हूँ जीरा, जीरा का तड़का लगाऊंगी, जीरा हमारा तड़प जाएगा, उसके बाद मैं डालूंगी तेज पत्ता, जीरा यहाँ हमारा तड़क गया है, तेज पत्ता इस तरह से हो गया है, देख सकते हैं 1 से 2 सेकेंड तक कर लिए हैं और जीरा हमारी तड़क गई है। और इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले लहसुन डालूंगी, मिर्ची डालूंगी, क्योंकि सूखा हुआ हमारा नहीं है, तो सब एक ही साथ में डालूंगी। पड़क रहा है, बहुत आराम से डालिएगा, और आंच को करते हैं कम फ्लेम को, और साथ ही साथ पीछे डालूंगी, बाद में डालूंगी मैं अदरक, और इसके बाद जाएगी प्याज, और धीरे धीरे करके ऐसे ही हम पका लेंगे। और उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, पकने के बाद में हमारा ये सब प्याज मिर्चा लहसुन अदरक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में मैं डालूंगी टमाटर। मैं देख लेती हूँ हमारा सॉफ्ट हुआ कि नहीं प्याज, थोड़ा सा हाई फ्लेम में कर लेती हूँ, ठीक है, जल्दी पकने के लिए हाई फ्लेम को कर लेती हूँ ये, ताकि पक जाएगा। और ऐसे हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है, और राजमा के लिए पूरा हम ब्राउन नहीं करेंगे, सब्जी की जैसा नहीं हमें करना है, ठीक है, तो इसी तरह से हमें करना है, इसी तरह से। ये देखिए हमारा प्याज अदरक मिर्चा पूरा सॉफ्ट हो गई है, और साथ ही साथ इसके बाद में डालूंगी टमाटर, थोड़ा सा गलने के लिए मैं डालूंगी नमक, हल्का डालूंगी क्योंकि राजमा में मैं डाली थी उबालने समय, तो इसलिए थोड़ा सा ही डालूंगी। और यहाँ देखिए राजमा को इस तरह से कर लेना है पूरा क्रेस, राजमा तो हमारी पक ही गई है, और इसको ऐसे ऐसे करके मिला लेना है, ऐसे इस तरीका से गल गए हैं। और इसमें डालूंगी मैं मसाला, जो मसाला ली हुई हूँ, और मसाला ना जले इसके लिए थोड़ा सा मैं पानी भी डालूंगी, सूखा मसाला है, ड्राई मसाला तो जल जाएगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं डाल दूंगी पानी, ताकि नहीं जलेगा, 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है मसाले को, तो पानी डालने से जलता नहीं है मसाला, और ऐसे ही अगर पकाऊंगी ना तो जल जाएगी, इसलिए इसको पानी डालना जरूरी है। 5 मिनट भून ली हूँ, 5 मिनट मतलब 1 से 2 मिनट तक, 3 मिनट तक भून ली हूँ मसाला, ये देखिए भून गया है और पूरा तेल छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें बारी आती है, अब मैं राजमा डालूंगी, ठीक है दोस्तों, राजमा इस तरह से डाल देती हूँ, और ये है काला राजमा, ठीक है, लाल वाली,
तो इसका कलर ऐसे ही रहेगा, कलर लाल पीला हरा नहीं होगा, बस ऐसे इसका कलर है क्योंकि लाल वाला है। ठीक है, एक व्हाइट वाली राजमा होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, आपको हल्दी दिखाई देता है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देगी आपको हल्दी, क्योंकि अपने से ऑलरेडी लाल है तो ये लाल ही लगेगी आपको। जो हमारा कुकर में जो लगा हुआ था उसको मैं डाल देती हूँ, यहाँ थोड़ा सा हल्का पानी डालूंगी। कुकर गंदा था, उसको धो लूंगी। सो दोस्तों, आज ना हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा चावल था कल का चावल, देखिए हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो हमारा चावल बचता है हम लोग बचपन से ही भाई देखते आ रहे हैं, जो हमारा चावल बचता है हम लोग उसको फेंकते नहीं, हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो जो चावल हमारा बचा हुआ था, चावल हम रख दिए थे फ्रिज में कल, और हमें कल राजमा बनाना था, ठीक है, राजमा चावल बनाना था, तो राजमा हमारे यहाँ कल नहीं था, तो इसके वजह से हम राजमा कल नहीं बनाए थे, तो इसीलिए ज्यादा हम चावल डाल दिए थे कल, तो ताकि हमारा खा मतलब अच्छा, जब राजमा बनता है तो हमारे यहाँ चावल की खपत ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने ज्यादा डाला था, तो राजमा थी नहीं तो हम बना नहीं पाए, इसलिए हमारा चावल भी बच गया। तो जो चावल हमारा बची हुई है मेरा, तो ये देखिए इसको हम क्या करेंगे, पानी ये भी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो गर्म होने के बाद में ताजा ही भात लगेगी, फ्रेश वाली एकदम। तो हमारा पानी गर्म हो गया, यहाँ पे उबाल दिए है, ठीक है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ ताकि एकदम अच्छा चावल लगेगा, गर्मा गर्म लगेगा, बासी आपको जरा से भी नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग जरूर कीजिएगा, इसको ढक देना है थोड़ा सा, 1 से 2 मिनट तक उबल जाएगा ना, उबल जाएगा, पानी को उबाल लिए है, पूरा खलकता हुआ पानी में मैं डाली हूँ। और सचमुच आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई लोग हमारे मतलब आप लोग वीडियोस देखिएगा तो लगेगा कि बासी खाना है, बासी चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन लेकिन ये हमारा घर का चावल है, खराब नहीं होती है दोस्तों, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। और हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमारे घर में भी हमारे पति देव जी चावल जरा से भी फेंकने नहीं देते हैं, चाहे हमारे पापा जी है ना वो भी नहीं, जो चावल रहता है बचा हुआ चावल हम लोग यूज कर लेते हैं, हम लोग नहीं फेंकते हैं। इसलिए हमें भी जब से मुझे समझ में आई है, मैं पहले बहुत मतलब ना खाना जो बचता था ना वो हमें खाने का मन नहीं करता था, लेकिन अब धीरे 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 जैसे जैसे ये हो रहा है वैसे से मुझे समझ में, मुझे भी अब खाना वगैरह फेंकने का मन नहीं करता है, जो अगर वैसे हो गया तो ही होता है, नहीं तो अच्छा होता है तो खा लेते। तो चलिए हमारा 5 मिनट हो जाएगा, 1 से 2 मिनट तक उबाल लेंगे इसको, तब अच्छा लगेगा, फिर पसा लेंगे, ठीक है दोस्तों। राजमा रेडी हो चुका है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से बन गया है। तो राजमा को मैं उतार लेती हूँ, अगर इसमें धनिया पत्ती होती तो और अच्छा लगता, तो हमारे पास धनिया पत्ता नहीं है अभी, मैं नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है लेकिन मैं बाजार से लाई नहीं हूँ, तो जो है उसी से मैं बना रही हूँ, तो उतार लेती हूँ उसको। और सुबह वाला नाश्ता हमारा बच्चा भी किया नहीं है, खाया ही नहीं है, रोटी वगैरह देखिए बना करके रखे हुए हैं, ये भी नहीं खाया, तो ये सब बच जाएगा तो शाम को खाना ही ना पड़ेगा, क्या ही बोले बच्चे। और इसको जितना पानी है इसको हम पसा लेंगे, मैं पसा लूंगी। चावल और राजमा बन करके कंप्लीट हो गया दोस्तों। और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि हमारी जो चावल होती है ना, चावल खड़ा होती है और ज्यादा गिल्ला हम चावल नहीं बनाती हूँ, ठीक है, मैं गिल्ला चावल नहीं बनाती हूँ, गिल अगर गिल्ला हाथ होगा तो इस तरह से बनाइएगा तो खराब हो जाएगी, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप लोग अगर कैसे चावल बनाते हैं उस तरह से आप लोग बनाइएगा, जैसे थोड़ा सा मैं टाइट ही चावल रखती हूँ, तो ताकि मतलब फरहर टाइप से, अगर गीला वाला चावल होगा तो अगर बच गया तो आप अगर इस तरह से पानी में कर दोगे तो वो खराब हो जाएगा, तो उस तरह से मत कीजिएगा। तो हमारे चावल थोड़ा सा टाइट रहती है इसलिए मैं करती हूँ, वैसे तो बन जाता है बढ़िया। तो दो ऑप्शन है, अगर जैसी आपकी चावल अगर गिल्ला होगी, अगर गिल्ला भात खाते होंगे थोड़ा सा गिल्ला ज्यादा होगा तो उसको मत बनाइएगा, जो टाइट होगा उसी को करिएगा तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि हमें तो पूरा आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो भाई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो दो दो टाइप से चावल होती है, कोई अगर घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा गिल्ला चावल बनता है, और
और अपना अपना खाने का चॉइस है, आप लोग कैसे खाते हो, कोई टाइट खाता है, कोई थोड़ा सा नॉर्मल ढीला वाला चावल खाता है, उस तरह से सब अपना अपना चॉइस है। तो मैं ज्यादा टाइट ही खाती हूँ, गीला चावल मुझे पसंद नहीं, जब गीला चावल मुझे पसंद नहीं, हजम नहीं होती गीला चावल, इसीलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ भात। तो इस तरह से है, देखिए भात अभी देखिए इस तरह से हुआ है ना, तो आपका गीला भात रहेगा ना तो इस तरह से नहीं बनेगा दोस्तों। तो हमारा गीला चावल भात नहीं होता है तो इसलिए हम ऐसे हम बना लेते हैं, ठीक है। अगर जो भात रहता है तो हम फेंकते नहीं है, फ्रिज में डाल देती हूँ, तो मतलब एक दिन ही चलेगा, तीन चार दिन तक नहीं चलेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं खाना पीना, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, 1:30 बज गई है। ना अभी कुछ नहीं बनेगा मम्मी, दोस्तों ये देखिए राजमा चावल बन करके रेडी हो चुका है। राजमा कैसी लग रही है थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। राजमा चावल है और ये शिमला मिर्च की भुजिया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। सुपर, बहुत टेस्टी है दोस्तों, इसी तरह से बनाइएगा आप लोग। तो दोस्तों समय के हो रहे हैं 2:30 बजने वाली है, 2:30 बज गई है और हमारा खाना पीना हो चुकी है, बर्तन खाना वगैरह खा करके बर्तन भी धो लिए हैं और हम आ चुके हैं छत पे और ये देखने के लिए आए हैं जो बारिश हो रही है कि नहीं। हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि भाई कपड़ा वगैरह डाले हैं, कपड़ा डाले हुए हैं तो बालकोनी में डाले हुए हैं, तो हम आ चुके थे नीचे ऊपर छत पे, छत के नजारे दिखाने के लिए। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आज क्या काम की मैं, यहाँ पे तुलसी जी यहाँ पे लगाए हुए थे जो पुराने वाले थे ना सूख गए थे, ठीक है, और जो नया वाला जो बीज गिरता है ना तो वो सब इतना सारा तुलसी मैया हमारे यहाँ निकल चुके हैं। तो चलते कपड़ा वगैरह उठा लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। बरसात में कपड़ा सुखाना बहुत महाभारत होता है दोस्तों। तो हम आ चुके हैं बालकोनी में, ये देखिए कपड़ा जो था उसको सूख चुका है, जो सुबह कल का ही कपड़ा था, कल वाला कपड़ा मैंने डाली हुई थी, बस ऐसी वॉशिंग मशीन में था और सुबह उठ करके मैं डाल दी हूँ कपड़ा। और ये देखिए यहाँ का नजारे हमारे यहाँ का कपड़ा, एक दिन हमें पूरा फोल्ड करने में लगेगा, कपड़ा मोड़ करके रखेंगे और समय ही नहीं मिल रहा। घर से आए बस ऐसे ही कपड़ा पड़ा हुआ है, दो रखा हुआ है, तो समय मिल करके इसको फोल्ड कर लेना है। तो कपड़ा उठा करके आते हैं, ठीक है। तो कपड़ा वगैरह उठा करके आ गए दोस्तों और आज थी हमारी रेसिपी वीडियो थी, ठीक है, रेसिपी वीडियो थी राजमा चावल की, राजमा बनाई थी, राजमा की रेसिपी बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा, राजमा बनाइएगा खाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपको राजमा कैसी लगी, ठीक है। और इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगी, अगर वीडियो पसंद आए, अगर राजमा की रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ।